महाप्रभु कृत संकेत श्लोक भाव प्रकाश साहित्य दर्पण ग्रंथ में वर्णन हो रहा है। इस श्लोक के चैतन्य महाप्रभु थोड़ा पीछे बैठे महाप्रभु रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते हुए कीर्तन आदि करते थे। जिस श्लोक में जिसमें स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव के अनुसार श्लोक उच्चारण करते थे, सही जब सही तो परानाथ पाइन जहाँ लगी मदने दहने झुरी गई। स्वरूप दामोदर कहते थे सही तो परानाथ पाइन, तात्पर्य है सुदीर्घ विरह के पश्चात जब श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ मिले और समय श्रीमती राधिका भावों के अपने भावों के व्यक्त कर रहे सही तो पराणत पाइन जहाँ लागी मदन दहने झुरी गई। मदन मने अपराधित प्रेम, अपराजित प्रेम के द्वारा मेरा चित्त विगलित हो रहा है। विगलित समझते हो? मेल्ट, द्रवीभूत हो रहा है। गलित और विगलित बी शब्द लगा देने से विशेष रूप में गलित द्रवीभूत हो रहा है, विगलित का अर्थात जिनकी प्राप्त करके मेरे हृदय में अपराकित तो प्रेम उत्पन्न हुआ और चित्त विगलित हो रहा है। चित्त कैसे विगलित होता है? होता है तुम्हारे को भी है? होता है, क्रोध से विगलित हो जाता है, आंख लाल हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, है? इसके विगलित मैंने दूसरी स्वरूप में प्रकाशित हो जाना, ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका मानो कह रही हैं जी हृदय कैसे हो रहे हैं ना, चित्त विगलित हो रहा, जिनकी विरह के बाद जब मिलन होता है उससे चित्त विगलित होता है। तो इस जगत में जो प्राकृत जो कामदेव है समस्त जीवों के कैसे करते हैं, प्राकृत भावना आदि के द्वारा नचाते रहते हैं, काम क्रोध आदि देकर के आते हैं। काम ईसो क्रोध ईसो रजो गुणो समुद्भव, माया जो त्रिगुणात्मिक जो माया वो त्रिगुणात्मिक माया के द्वारा जीव काम क्रोध आदि के द्वारा मोहित हो जाते हैं। क्रोध तब आता है अपने वासना जहाँ पर अपूर्ति हो जाता है, क्रोध कब आता है जब हम जीव वस्तु के जो मैं प्राप्त करना चाहते हैं उस वस्तु के ऊपर कोई हमें बाधा डालते हैं तब होता है क्रोध। जैसे मैं इस वस्तु के खाना चाहता हूँ और कोई वस्तु उससे मेरे खाने में कोई बाधा डालें तब क्या होता है, क्रोध आता है। कृष्ण मांसदा के स्तन पान कर रहे थे, श्रीमद् भागवत में दम बंधन लीला में ही बंधन होते जा रहे हैं और माँ यशोदा ने किया कि दूध जब उफानने लगे दूध को बचाने के लिए माँ यशोदा ने किया कि गोपाल के जो अपने स्तन से छुड़वा करके दूध बचाने के लिए गए।
तो कृष्ण के यहाँ पर क्या हो गया? क्रोध हो गया। प्राकृत शिशु के भांति कृष्ण के क्रोध हो गया। क्यों कृष्ण के क्रोध हुआ? न कृष्ण जिस सुख से, आनंद से माँ जैसे कि पान कर रहे हैं, और माँ जशोदा ने किया कि उसके पान से उसको, दूध पान से उसको रोक दिया। इसलिए रोक देने से कृष्ण के क्या हो गया? क्रोध उत्पन्न हो गया है। कृष्ण की क्रोध कोई माया के गुणों के द्वारा नहीं है, ये लीला शक्ति कराते हैं, दिखाते हैं कृष्ण क्रोधित हो गया, ये माँ जशोदा मेरा सुख में बाधा डाली है। मेरे सुख में कोई बाधा डाले तो मेरा होता है क्रोध है। प्राकृतिक जगत में क्रोध होता है किससे? ना माया के त्रिगुणात्मिक माया के द्वारा, और अप्राकृत जगत में क्रोध आदि जो है ये भगवान के लीला शक्ति के द्वारा है। लीला आगे संपादन करने के लिए, लीला को बढ़ाने के लिए ये सब होते जा रहे हैं। इसलिए संसार में काम क्रोध आदि ये सब प्राकृत काम के, प्राकृत कामदेव के द्वारा ही सब होते रहते हैं है। काम क्रोध आदि प्राकृत कामदेव द्वारा, और अप्राकृत चित्त जो होते हैं, अप्राकृत कामदेव मूल जो ओरिजिन जो अप्राकृत कामदेव कृष्ण है, और उनकी प्रकाश कौन है? प्रद्युम्न कहा गया। और प्रद्युम्न के जो छाया कामदेव जो है इस स्वर्ग लोक में कामदेव जो रहता है, जिसकी पत्नी के नाम है रोती देवी, और जिस कामदेव जो शिव जी अपने त्रिनेत्र से अग्नि निकाल करके वो कामदेव के भस्मीभूत कर दिया था, इसलिए वो कामदेव के तप से नाम हो गया अनंग हो गया, न अंग इति अनंग है। एक कथा को कई बार हम लोग आलोचना किया। तो शास्त्र में तीन कामदेव के बारे में बताया गया, ये अपराकित कामदेव, मूल कामदेव स्वयं वरेंद्र श्याम सुंदर है, और उनकी प्रकाश मैनिफेस्टेशन प्रद्युम्न कहा जाता है, और प्रद्युम्न के जो है छाया जो कहा जाता है वो प्राकृत कामदेव है। इसलिए अपराकृत कामदेव भजन श्याम सुंदर के भजन किस प्रकार होता है? वृंदावने अप्रकृत मदन मोहन काम गायत्री काम विजय जहार उपासन। वो अपराकृत कामदेव के जो है उपासना कैसे होते? काम बीज मंत्र और काम गायत्री मंत्र के द्वारा है। 24.5 अक्षर युक्त काम बीज मंत्र के द्वारा ही वो पूजित होता है। इसलिए वृंदावने अप्रकृत मदन मोहन काम गायत्री काम विजय जहार उपासन। इसलिए काम गायत्री में कितने अक्षर है? 24.5 है। कौन सा अक्षर आधा होगा? इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बहुत प्रयास करने लगे है। सारे शास्त्र अध्ययन कर लिया तथापि उनकी प्राप्ति नहीं हुई है। नहीं 24 होता है, नहीं तो 26 होता है, ये 25 होता है। 24.5 कौन सा अक्षर, आधा कौन सा होगा है? इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की मन में बहुत संशय हुआ। अनंतर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने की विचार करने लगे, मैं अपने को राधा कुंड में समर्पित कर देता। आधी रात में उठे तब स्वयं राधा जी उनको सपनादेश दिया, हे विश्वनाथ चक्रवर्ती हरिवल्लभ है, मेरा सखी कस्तूरी मंजरी विश्वनाथ, ये केवल कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत दो लिखा, वो ठीक लिखा 24.5 अक्षर जो, तो कौन सा अक्षर आधा है उसको जानने के लिए इस ग्रंथ को तुम दर्शन कर पढ़ो, वर्ण समागत भाष्य। इस ग्रंथ में
है लिखा है, है? ये अक्षर आधे हो गए, है वर्ण समागम भस्म, है फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उस ग्रंथ को ढूंढा और फिर राधा जी सपने में जो आदेश दिया और उसको देखा, तब उन्होंने उसी को जो है और भी परिमार्जित करके मॉडिफिकेशन करके ग्रंथ लिखा, है कौन सा ग्रंथ लिखा, मंत्रार्थ दीपिका ग्रंथ लिखा, पढ़ा मंत्रार्थ दीपिका, मंत्र के अर्थ दीपिका, जैसे दीपक के द्वारा जैसे दिखाया जाता है, आलू के द्वारा जैसे दिखाया जाता है, उसी प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सारे मंत्र के जो है तात्पर्य, मंत्र की विशेष वैशिष्ट वो मंत्रार्थ दीपिका ग्रंथ में प्रकाशित किया है। तो इसी प्रकार जो है अपराकी तो कामदेव वृंदावन समय, इसी कहते हैं वृंदावन अपराकी तो मदन मोहन और काम गायत्री काम बीजेर जहर उपासन, काम गायत्री मंत्र और बीज मंत्र के द्वारा इसी उपासना होती है। चोरी गोपीर मनोरथे मन मथेर मन मथे नाम धरे मदन मोहन, ये समस्त बहुत विस्तृत वर्णन है, तो उसके अध्ययन करना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए, पढ़ने के समय है आपके पास, समय नहीं है। क्या क्या अध्ययन करेंगे, इतना सारा ग्रंथ तो बताते हैं, क्या क्या करेंगे, और सब ग्रंथ पढ़ते रहे तो छात्र के क्या है, काम तो कुछ नहीं है, काम एक ही है हरिनाम शास्त्र अध्ययन, हाँ सारे ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा तब तो वही रहता है। एक व्यक्ति एमए पीएचडी करने के लिए कितने ग्रंथ उसको पढ़ना पड़ता है, रेफरेंस है, हाँ समझिए रेफरेंस के लिए पढ़ना पड़ता है, अलसता के त्याग देना पड़ेगा, है बोले कौन सा ग्रंथ पढ़े कौन सा नहीं पढ़े क्या करे नहीं करे, है मन में हो जाता ना, ये ग्रंथ वो ग्रंथ वो ग्रंथ, है विद्यार्थी तो उसी के कहा जाता है, सब समय लगे रहते हैं। तो उसी प्रकार जो है मंत्रार्थ दीपिका ग्रंथ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसमें दिखाया, साढ़े चौबीस अक्षर जो है कृष्ण के, साढ़े चौबीस अक्षर क्या है कृष्ण के अंग भी बताया गया है। तो ये समस्त चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है, है जिस कथा हम कहते जा रहे हैं ब्रजलीला निष्ठा श्रीमन महाप्रभु संकेत दे रहे हैं, है जब चैतन्य महाप्रभु दशहत्रा के सामने कीर्तन आदि करते थे और स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव जान करके वो श्लोक उच्चारण करते थे, सही से प्रणत पाइनु जहाँ लगी मदन दहने झुरी गनु, है मदन दहने झुरी गनु, मदन के काम बा ताप से दहन से मेरा चित्त विगलित हो गया, है द्रवीभूत हो गया, है ये कहते हैं जा है। तो उसी के जब उस दोहा के जब सर्वदांदर बार बार कीर्तन के लिए महाप्रभु उद्दंड होकर के नित्य आदि करने लगे, महाप्रभु के भाव कौन समझे, महाप्रभु के भाव समझने वाले एक ही व्यक्ति था, वो था कौन, स्वरूप दामोदर, है दोनों के आनंद हो रहा है महाप्रभु और स्वरूप दामोदर, है किंतु और बाकी लोगों की कोई पता ही नहीं है क्यों क्यों महाप्रभु इतने आनंद हो करके नित्य क्यों कर रहे हैं, भाव को कौन जानते है। तो फिर महाप्रभु ने किया कि ये साहित्य दर्पण से काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण दर्पण की एक प्राकृत तो नायक नहीं कह के भावों के लेकर के कीर्तन करने लगे, है ज कौमर हर स एव ही बरसता एव चित्र छपा स्थित मिली तो मालती सुर सुरभय प्रौढ़ा कदम नीला सा चैवास्मी तथा तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ
रे वा रोदसी व्यतोसी तरुतले चेत समुत्कंठते है। ये प्राकृत तो नायक की भाव वर्णन हो रहा है, प्राकृत तो नायक नायक है। नाट्य शास्त्र में है शक्य के जो है प्राकृत नाट्य शास्त्र में शक्य के मान्यता दी गई है। और परकीय के जो है मान्यता नहीं दिया गया कि वो दोष दूषित है, इसलिए प्राकृत नाट्य काव्य में परकीयत्व के नायक व नायिका के जो है महत्व नहीं दिया गया। आज भाई ये समस्त दिखा गया है। प्राचीन जितने भी कवि लोग हुए हुए हैं, नाट्य शास्त्र के कवि लोग, रस आचार्य हुए हैं, एक नाम बताओ है, भवभूति से लेकर के बड़े बड़े सब नाट्य शास्त्र के जो है रस काव्य ये सब रस आचार्य हुए थे है। विशेष करके उसके नाम आता है क्या नाम नाटककार चैतन्य चैतन्य में जो भवभूति और ये क्या नाम है बोले भरत मुनि, भरत मुनि नहीं जाने ये सब रसेरो विचार। भरत भरत मुनि भी नाम से कोई ऐसे प्राकृत है रसाचार्य भी कहा जाता है, किंतु भरत मुनि भी ऐसे भी होते हुए विज्ञ होते हुए पर भी राधा कृष्ण के अपरागित दिव्य कि वो समझ नहीं पाई, इसलिए चैतन्य चैतन्य भरत मुनि नहीं जाने ये सब रसेर विचार है। किंतु प्राकृत को भी यहीं तक तो जानते हैं, अपरागित जगत में चित जगत में अपराकित जो पारकियत्व जो है नायक ने के जो भाव है वो क्या समझ पाई, इसलिए कह रहे भरत मुनि नहीं जाने ये सब रसेर विचार। चैतन्य चैतन्य देखो लिखा है कि नहीं, भरत मुनि नहीं जाने ये सब रसेर विचार है, ये सब रस के विचार जो है भरत मुनि भी नहीं जानते है, कहाँ जान पाएंगे। जे नायक नायिका के भाव माधुर्य क्या है, क्योंकि प्राकृतिक जगत में परकीयता वो नरकगामी कहा गया है, और वो देह इंद्रिय मन की ऊपर ही निर्भर है जिसमें भोगवाद आता है, भोगवाद की तो यहीं से शुरू होते जाता है। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जावेत जावत जावेत तावत सुखद पिबेत, इसके बाद क्या है, इसके बाद कुतः पुनराग है। इसमें और भी दो लाइन है, ये दो लाइन के बोलते नहीं है, चार्वाक चारु है। तो ये समझते जो भोगवाद आ जाता है ये समाज के दूषित कर देते हैं ऐसे, इस पाश्चात्य देश में इसको अधिक मान्यता है। पाश्चात्य देश फॉरेन कंट्री में जो है भारतवर्ष छोड़ कर के ये भोगवाद की अधिक दिखाई जा पड़ता है, आ समझ में नहीं। पाश्चात्य देश के जितने भी फिल्म होगा, फिल्मी होगा है, मूवी आदि जितने होगा, यदि ये भोगवाद को नहीं दिखाया गया उनके फिल्म कोई नहीं देखेगा है, आ समझे। इसलिए पाश्चात्य देश में ये समस्त जो है दिखाया गया है, भोगवाद दिखा है। पाश्चात्य देश में जितने मूवी जो कुछ भी होता रहता है ये समस्त नेकेड सीन को दिखाया गया, दूसरी स्त्रियों के साथ प्रेम ये करते करते, और वही सब क्या है गया
भारतवर्ष में आकर के है वो क्या बोले मरुभूमि के क्या रेगिस्तान के गर्मी हवा के भांति यहाँ पर फैल जाता है, है? अफ्रीका सहारा के जो बालू जो है इतने तीव्र गति से उड़ता रहता है, बोले कहाँ कहाँ तक पहुँचते, यूरोप तक पहुँच जाता है, है? जानते कि नहीं आप जान? है सहारा मरुभूमि के उत्तप्त बालू है? है इतने गर्मी बालू जो है बोले हवा में इतने दूर होता है समुद्र के पार करके हैं इटाली में पहुंच जाते हैं। हम देखा सार्डिनिया में देखा है, बोले यहाँ पर सुबह देखा तो है वहाँ पर ये पड़ा हुआ है माने बालू पड़ा हुआ है सब है, बोले यहाँ है सार्डिनिया, सार्डिनिया एक इटाली का एक ये है छोटा जो है टापू है, हम जाते हैं वहाँ पर है जिस घर में रहते देखा है। कम से कम अफ्रीका वहीं से कम 400-500 किलोमीटर दूर है, है वो भी बीच में समुद्र है, है और देखो वो भी बालू यहाँ पर आकर के ये कर देते है, और ना जाने कैसे कैसे तात्पर्य ये कहते जा रहे हैं ये पाश्चात्य देश के भोगवाद वो आकर के धीरे धीरे भारतवर्ष के लोगों की किस प्रकार प्रभावित होते जा रहे हैं, नास्तिकता आ जाता है, है? नास्तिकता आ जाता है बस है, भोगवाद जहाँ पर आता है उसे नास्तिकवाद आ जाता है, धर्म कर्म लुपाट हो जाता है। तो अभी हम कथा में जो आ रहे हैं वर्णन करते जा रहे हैं, ये महाप्रभु ऐसे भोगवाद बा प्राकृत नायक नायक की कथा क्यों स्मरण कर रहे हैं, है ये श्लोक महाप्रभु क्यों पढ़ रहे हैं, है इसमें कहते हैं जो कुमार हर स एव ही बरसता एव चैत्र छपा, इसके अर्थ क्या कहते हैं, हे सखी कुमार अवस्थ में जिसने हमारे मन को हरण कर लिया था वही सुंदर वर यहाँ उपस्थित है, वह चैत्र मास की सुहावनी रात्रियाँ भी है, खिली हुई मालती की सुगंध भी है और शीतल मंद सुगंधित कदम्ब की वायु भी वह बह रही है, मैं भी वहाँ हूँ, मेरे प्रियतम भी वही है, तथापि काम क्रीड़ा के लिए रेवा नदी तीरस्थ कदम्ब कानन के लिए मेरा मन उत्कंठित हो रहा है, है यही बताते जा रहे हैं, इसके गंभीर अर्थ होता है, है? जब मैं जब कोमर था माने छोटी थी है तो एक युवक के साथ हमारे क्या हुआ अवैध रूप में प्रेम हो गया और उन्होंने मेरे साथ क्या कि मेरा कुमार को हरण किया, जब कुमार हर सभी वर्ष फिर उनके साथ कैसे मिलन हुई, छुप करके हम दोनों एकत्र मिलते थे, वो चैत्र छपा मधुमास चैत्र मास कहा जाता है, ठंडी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, और वही रात्रि काल में हम लोग रेवा नदी के तट पर बैठते थे, हैं आसमें चित मिली तो मालती और कैसे सुंदर वह सुशोभन रात्रि भी थे, है चंद्रमा के किरण के द्वारा वो स्थान झिलमिल करता रहता था, है इतने सुंदर गभीर रात्रि में जो हम दोनों बैठ जाते थे और कैसे बैठते थे ना, वो बेतोसी तोरु तले, बेतोसी माने बेत के जो झाड़ी होता है, है बेत लंबे लंबे हो जाते हैं फिर अपने आप ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, तो इससे क्या तो अपने आप एक सुंदर कुंज बन जाता था, है और पीछे से लेकर के दाएं बाएं कोई देखने वाला नहीं था, नदी के तट पर था इसलिए हम लोग केवल नदी के दर्शन करते थे, है आसन और निकट में माधवी मालती के सुगंध फूलों की सुगंध हवा भिनी भिनी हवा आता था,
निकट में कदम्ब वृक्ष भी था, है कदम्ब पुष्प जब प्रस्फुटित हो जाता है उसके सुगंध भी आरुआ है। और उस समय हम लोग क्या करते थे, सुरत कथा व्यापार लीला विधौ, उस समय अनेक प्रकार की जो है प्राकृत प्रेम की कथा हम चर्चा करते थे। और वो चर्चा करते करते इतने समय व्यतीत हो जाता था जैसे क्षण भर लगते हैं, 8-6-7 घंटे एक साथ में बैठते थे, लगता था 2 मिनट बैठे है। एक साथ चौबाश्मी तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रुदसी व्यतुषी तुरुतले चेत समुत्कंठते। इसके कुछ समय के बाद हम दोनों के साथ विवाह हुई है। विवाह होने के बाद और रस आसादन नहीं रहा है, दायित्व पड़ जाता है, समाज की विधि निषेध का हमें पालन करना पड़ता है, समाज की विधि निषेध हमें पालन करना पड़ता है। किंतु आज विवाह होने के बाद हम दोनों तो एक ही साथ में रह रहे हैं, किंतु चित्त में वो आनंद नहीं है जो अविवाहित तो हो करके जब हम दोनों एक साथ में मिलते थे, वो आनंद नहीं है। तो इसी के जो है चैतन्य महाप्रभु बार बार कीर्तन कर रहे हैं, अर्थात वो अब वो विवाहित तो हो करके अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अभी हमारे मन कैसे करें, विवाह होने के पहले जैसे हम रहते थे उसी में हम जाना चाहते हैं, किंतु संभव नहीं है, अभी क्या करें। इसलिए महाप्रभु इसको कीर्तन करते जा रहे हैं, किंतु सबके मन बिगड़ गया, ये महाप्रभु सन्यासी उनके ये प्राकृत नायक नहीं के भाव के क्यों बोलते जा रहे हैं, कि समझ में नहीं आ रहे हैं। किंतु स्वरूप दामोदर इसको समझते थे, प्राकृत वस्तु में अप्राकृत भाव की भाव ले आना ये महाभागवत के काम होता है, क्या समझे। जो महाभागवत होते हैं, उच्च कोटि के संत महात्मा होते हैं, वो उस प्रकार लेकर के आते हैं। तात्पर्य क्या है, न स्वकीयत्व अपेक्षा परकीयत्व के भाव की माधुर्य प्रकाशित हो रहा है। द्वारका में कृष्ण 16,100 पाठरानियों के साथ रहने लगे, वहां पर कितने भोग सामग्री है ऐश्वर्य आदि है, और वृंदावन में बस वही गोपियां वनफूल है, जमुना है, कोयल कुहकते हैं, मयूर नृत्य करते रहते हैं, निर्जन जमुना की झाड़ियां हैं, स्थान है, किंतु द्वारकापुरी में कितने ऐश्वर्य है, किंतु तथापि कृष्ण के मन द्वारकापुरी में नहीं रहता, कहाँ रहते, वृंदावन में। और गोपियों की वही कथा आदि स्मरण और वही चिंतन आदि होते रहते हैं। अपराकृत चित्त जगत में यही पराकृत की सर्वश्रेष्ठ दिखा रहे हैं। इस जगत में जो पराकृत आदि है नरक गामिनी है, ये संभव नहीं होता है, किंतु अपराकृत जगत में चित्त जगत केवल गोलोक वृंदावन, वो भी अपराकृत भाव कहाँ पर है, वैकुंठ भी नहीं है, अयोध्या भी नहीं होगा, द्वारका भी नहीं होगा, मथुरा भी नहीं, केवल मात्र गोलोक वृंदावन में है। गोलोक वृंदावन में ये प्राकृत भाव की मधुर्य दिखा रहे हैं। इस जगत को तो छोड़ दीजिए, इस जगत के तो संभव ही नहीं है, और उसके ऊपर जो जितने भी लोग हैं उसके लेकर के केवल गोलोक वृंदावन में ये दिखा रहे हैं। वो भी गोलोक वृंदावन में दूसरे के लिए नहीं,
है, किसके लिए? केवल कृष्ण और गोपियों के लिए कह रहे हैं। माधुर्य रस संपन्न जो है, श्रृंगार रस के जो है, जहाँ पर इस पात्र बात करते हैं, और उसमें श्रृंगार रस की माधुर्य की एकमात्र जो है कृष्ण कहा गया है। एकमात्र नायक कौन है? कृष्ण है। और समस्त गोपियाँ है नायिका के कार्य आदि करते जा रहे हैं, ये सब दिखाते जा रहे। यद्यपि हम नायक प्रकरण नायिका प्रकरण जब पढ़ते हैं, 360 प्रकार के नायिका है और 96 प्रकार के नायक है। यद्यपि और बाकी नायक के जो है उदाहरण देते जा रहे हैं है, हाँ समझे, जैसे धीरोदत्त, धीरुद्धत्त, धीरादत्त और धीर शांत है, धीर ललित नायक। ये धीर ललित नायक की सर्वोत्तम रूप में प्रकाशित है कृष्ण में है। और बाकी जो उदाहरण दिया गया और कोई उदाहरण नहीं है इसलिए देते रहे हैं, हाँ समझे, ये समस्त उदाहरण देते जा रहे हैं। यहाँ तो कि रामचंद्र के उदाहरण दे दिया, युधिष्ठिर महाराज उदाहरण दिया, भीम के उदाहरण दिया है, एक एक नायक उदाहरण, ये उदाहरण जो है और मिलता नहीं है किसको दिया जाए। वास्तव जो है समस्त उदाहरण के मूल एकमात्र कृष्ण है, धीर ललित नायक जो है कृष्ण है। जो धीर ललित नायक में जो चार जो गुण रहता है वो कृष्ण छोड़कर किसी में है ही नहीं है। नवजौवनंच परिहासपटु प्रेयसी वशीभूत और निश्चिंतता, ये धीर ललित ना, ये कृष्ण छोड़ करके और किसी में नहीं है, है? तो इसलिए ये समस्त आदि जो उदाहरण दिए हमको समझाने के लिए है। तो ये एक करके उज्जवल निर्मिणी ग्रंथ में ये समस्त वर्णन किया गया है, किंतु पारकियत्व के जो है एकमात्र उदाहरण एक बोलते कृष्ण है। रामचंद्र में ये सब नहीं आता है, ना द्वारकाधीश कृष्ण में हो सकता है, है? आचार द्वारकाधीश कृष्ण में ये भी नहीं होगा है। रामचंद्र में तो और भी बहुत कठिन है, क्यों? रामचंद्र में दिखा क्या है, एक पत्नी व्रतधारी, मर्यादा में लगे हुए, अपने मर्यादा में बंधे हुए है। रामचंद्र की जो है ऐसे मर्यादा है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी, वो टस से मस नहीं होता है। विशाल समुद्र और उस समुद्र इतने जलराशि, उससे उसमें हिमालय डूब सकता है किंतु बह करके नहीं जाएगा वो, समझ में? हिमालय, विशाल हिमालय समुद्र में डूब जाएगा है किंतु प्रवाहित होकर के नहीं जाएगा। तात्पर्य क्या है? रामचंद्र की जो है मानो विशाल समुद्र है उसकी प्रेम, ठीक है, है? और रामचंद्र की जो मर्यादा में जो है वो मर्यादा कैसे है? विशाल हिमालय के भांति प्रेम में डूब जाए कोई भी बात नहीं, किंतु अपने मर्यादा को उल्लंघन नहीं करेगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए, है? सत्यसंध भगवान रामचंद्र ये दिखाए। और कृष्ण में वैनंदन श्याम सुंदर कृष्ण में ऐसे स्वयं प्रेम में वो प्रभावित होते रहते हैं, इसलिए तो करे नायं श्रृंगु नितान्तरते प्रसाद तो सज्जोषिता नलिन गंधा रुचु कुतन्ना रासोत्सव भुजदंड गृहित कंठ लब्धा सुदंग ज ब्रजरा ब्रज सुंदरी नाम है। वो जो प्रेम रूपी समुद्र में रास अकड़े जहाँ पर हो रहे हैं, वह विशाल समुद्र में गोपियों की भाव रूपी जो लहरियाँ जहाँ पर चल रही हैं, उस लहरिया में कृष्ण अपने की भी संभाल नहीं पा रहे हैं। कृष्ण इतने बड़े होते हुए पर भी
सर्वशास्त्र में, वेदों में, पुराणों में कृष्ण के सर्वोत्तमता दिखाया गया है, समझे। किंतु गोपी रूपी प्रेम समुद्र में कृष्ण जब स्नान कर रहे, मानो वो भी कौन सा गोपी रूपी, रास गोष्ठम, रास रूपी महागोष्ठ में कृष्ण जब गोपी के साथ मानो प्रेम में स्नान आदि कर रहे, और गोपियों की ऐसे उद्दाम जो एक एक भाव की लहरियां जो है, और इतने स्रोत धारा कृष्ण अपने के संभाल नहीं पा रहे है। देखो रामचंद्र के कहा गया मर्यादा के द्वारा पर्वत की भांति है, वो उड़ करके नहीं जाएंगे, किंतु कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने के संभाल नहीं पा रहे है। इसलिए कृष्ण विचार करने लगे थे, मैं इस गोपी रूपी प्रेम समुद्र की लहरियां इतने शक्तिशाली है, तो मैं इससे बच नहीं पाऊंगा। इसलिए कृष्ण ने किया कि गोपियों के गलबंठर दे करके खड़े हुए, जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं, हर की पीढ़ी में स्नान करने के लिए गंगा स्नान, इतने स्रोत धारा जोर आ जाता है, उसमें स्नान करने के लिए उपाय क्या है, ये मतलब उसको जो लोहे के जंजीर जो रहता है उसको हाथ से कस करके पकड़ करके स्नान करो और डुबकी लगाओ आ जाओ। यदि आपके हाथ से जंजीर छूट गया तो आप ही छूट जाओगे सारा जीवन के लिए, कभी वापिस नहीं आओगे है, उद्धार करने के लिए कोई नहीं रहेगा है। देखा कभी हर की पीढ़ी में गए स्नान करने के लिए है, विशेष करके इसी श्रावण भादों में जाओ, बरसात होती है और सारे लॉक गेट के पानी भी छोड़ दिया जाता है, गंगा के जितने भी धारे हैं इतने स्रोत धारा होता है, स्नान करना बहुत कठिन होता है। तो ये तो एक साधारण एक उदाहरण दिया गया। उसी प्रकार कृष्ण गोपियों के प्रेम समुद्र में, और उसमें जैसे गोपियों की भाव भाव आदि होने पर जहाँ पर लहरियाँ चल रही है, कृष्ण देखा मुझे तो प्राण बचाना बहुत कठिन होगा, इसलिए कृष्ण ने किया कि गोपियों की गलदेश के जो अच्छी तरह से टाइट करके पकड़ करके स्नान कर रहे हैं, इसलिए तो उद्धव ही कहते जा रहे हैं, नायंग सिंगू नितान्त ते प्रसाद तत्सर्जसित नलिन गंदा कुतुरुचन्ना रासोत्सव भुजदंड गृहित कंठो, भुजदंड गृहित कंठो, अपने लंबी लंबी भुजाओं के द्वारा गोपियों की स्कंद देश के जो है पकड़ करके रखे है, यही दिखा दिया। तो ये समस्त विवरण देते जा रहे हैं, वह प्रेम की ऐसे उत्ताल तरंग चलते रहते, रास कोई साधारण वस्तु नहीं है, रास कोई साधारण वस्तु नहीं है वो है। इसलिए लक्ष्मी आदि के लिए संभव ही नहीं है, और क्या लक्ष्मी के संभव तो छोड़ दीजिए है, वैकुंठ लक्ष्मी की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो रुक्मिणी आदि सप्तभामा आदि है, इन लोगों के लिए भी संभव नहीं है। प्रार्थना तो करते हैं ऐसे भाव का हम प्राप्ति करें है, किंतु उस रास गोष्ठम रास रूपी महागोष्ठ में इन लोग भी संभव नहीं है। दूसरी की बात क्या है, रुचो कुतो अन्नंग, और दूसरी की बात क्या कहे, जब लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई, जब ये समस्त जो महिषियों की प्राप्ति नहीं हुई, और दूसरे के लिए आप क्या बताइए। वास्तव वो रास वो अपरागित चित जगत में रास क्या चीज़ है हम अनुमान लगा नहीं सकते, और इस जगत में कोई वस्तु नहीं उसके प्रमाण के द्वारा हम एक क्या बोले उदाहरण दिख रहे समझाए है, उतना ही कहा दिया रास क्या है, नित्य गीत आदि है बस। नित्य गीतों में जो उत्ताल तरंग जो है भाव की जो लहरियां चलती है जिसके उज्ज्वल इनुमणि ग्रंथ में ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं, हा भाव हेला किलिकिंचित विकोप है, इसके के अनेक उदाहरण दे करके उज्ज्वल इनमणि में इसे पुष्टिकरण किया।
है, हम लोग इसे समझ नहीं पाएंगे ये किस प्रकार इसमें था होता रहता है, है? रास कोई सेक्सुअल थिंग नहीं है, जिसके रास के बारे में ज्ञात ज्ञान नहीं है, है? वो ऊपर के दो एक वस्तु देख करके वो सोचता है यही रास है, है? कोई शराब पी करके मत्त तो होता है, कोई शराब शराब ही है ना उसके गंध लेकर के मत्त तो हो जाता है, समझ में है? तो उसी प्रकार ही कहा जाता है, शराब तो पिया ही नहीं है, शराब नहीं पिए तो आपको कैसे चले कैसे पता चल जाए शराब पीने से सिर कैसे घूमता रहता है, जो शराब ही है वो जानते हैं, और भी शराबी में जो सबसे एक्सपायर्ड जो होता है जिसको कहा जाता है क्या कहते हैं कौनो शरार कहा जाता है, कौनो शरार जानते हैं, कौनो शरार मैंने जो है वो एक्सपायर्ड शब्द है, हाँ समझे, ये इतना सहज नहीं होता है, ये भी प्राकृतिक जगत की है, आज जिसको पीते हैं क्या LSD ना क्या क्या बहुत हाई स्पिरिट जिसको कहा जाता है, है? इसके साधारण शराब से उसको नशा में आनंद नहीं होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव है वो शराब आदि पीते हैं, है? आज ठीक उसी प्रकार अप्राकृतिक चित्त जगत में है, ये कृष्ण जो है एकमात्र है, ये समस्त जो है प्रेम समुद्र के बारे में जानते हैं, तो जानते हुए पर भी तब भी कृष्ण भी था नहीं पा रहे हैं, है? कृष्ण के था नहीं पा रहे हैं तो आप दूसरी की बात छोड़ दीजिए, है? ये गोपियों की प्रेम की जहाँ पर हाव भाव हेला किलकिंचित विकोप ये तो शब्द बता दिया है, किंतु इसमें क्या तात्पर्य क्या है एक एक करके हमारे चलो रूप से उज्ज्वलमणि ग्रंथ में वर्णन किया गया, विंशति अलंकार है और षोड़श श्रृंगार भाव आदि इसमें तो वर्णन हुआ है, ये सब दिखाया गया था, है? फिर आगे जाकर के दिव्य उन्माद आदि दशा में प्रेम की जहाँ जहाँ पर क्रिया आदि होती है, इसलिए उज्ज्वल इंद्रमणि के अच्छी तरफ से अध्ययन करना पड़ेगा, है? और रूप गोस्वामी पाद भी ये समस्त के जो है उदाहरण भी दे दिया श्लोक है, जहाँ जहाँ उदाहरण संभव नहीं है दूसरी शास्त्र से, है? रूप गोस्वामी पाद ने किया कि अपने सर्वचित अपने श्लोक रचना करके उसको उदाहरण देना पड़ा, है? देखो कैसे दूसरी क्या क्या कहे, उज्ज्वल इंद्रमणि ग्रंथ में अनेक श्लोक जो है आपके शास्त्र से नहीं मिलेगा, है? वो स्वयं रूप गोस्वामी पाद अपने श्लोक रचना करके तब उसके उदाहरण दे कर दिया, है? हम लोग शास्त्र आलोचना नहीं करते हैं, रूखा सूखा मुड़मुड़ा खा लेते हैं, मुड़मुड़ा समझते हो कि ना मुड़ी सूखा है बस हो गया, है? रूखा सूखा जो है मुड़मुड़ा कैसे चिबा दिया बस, किंतु वास्तव जो है उसमें प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, है? यही तो दिखाते जा रहे हैं, ये इसके भाव क्या है केवल स्वरूप दामोदर जानते थे और उस समय रूप गोस्वामी पाद आए थे, इसलिए रूप गोस्वामी पाद महापुरुष के भावों के अनुसार एक श्लोक रचना कर दिए, है? और महाप्रभु श्लोक के जब पढ़ा महाप्रभु भाव में विवाहित हो गए, महाप्रभु ये प्राकृतिक नायक नायक के श्लोक पढ़े साहित्य दर्पण का श्लोक, जब दूसरे दिन प्रातः काल में हरदास ठाकुर की कुटिया में पधारे, है? और रूप गोस्वामी पाद के रचित जो श्लोक कौन सा था, है? प्रिय सोयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, इस श्लोक को रूप गोस्वामी पाद ने, है? इसी की पैरेलल श्लोक है ये प्राकृतिक नायक नहीं का, और उसमें राधा कृष्ण की प्रेम माधुर्य वर्णन हुआ है, भाव तो एक ही है,
किंतु प्राकृत ये अप्राकृत भाव। और जिस श्लोक के पढ़ करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, ये महाप्रभु कहने के सर्वदम के रूप कैसे हमारे भाव को कैसे जान लिया, मैं तो किसी को बोला ही नहीं है। तो रूप कह रहे तब उसमें स्वरूप दामोदर कह रहे हैं ये थे जानी है रूपेर कृपा हो या चलो, आपके कृपा बिना आपके भाव को कौन समझ सकते हैं है। आप जरूर रूप के जो है अपने कृपा संचार की, इसलिए रूप गोस्वामी आपके भाव के समझ करके ये श्लोक लिखा है। और महाप्रभु उस समय स्वीकार भी किया, महाप्रभु वंचना नहीं किए, महाप्रभु ये जाप कर रहे वो सत्य है, यज्ञ पात्र जानी तारे सर्वसारी शक्ति संचारण, उनको यज्ञ पात्र जान करके मैंने किया कि उनके हृदय में मैं सारे अपना शक्ति को संचार कर दिया, महाप्रभु स्वयं करे है। ये कहते हैं यज्ञ पात्र जानी तारी शक्ति संचारण है। जब रूप प्रयाग में हमारे साथ मिले है तब तो मैंने किया कि अपने सारे हृदय के धन उनको दे दिया, अरे ये तो दैन्य सब होता है आशा कितना से देखो भाव के ऐसे बता रहे, वह तो बोल रहे हैं जे तुमको चखाई थी कोई एक बिंदु, अरे यह कर रहे सर्वशक्ति संचारिला है। यज्ञ पात्री जानी रूपेरे सर्वशक्ति संचारिला है, वो साधारण रूप में बोला जे तुम्हारे कही थे चखाई एक बिंदु है जो प्रयाग में जो, और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या करें है, हरदास ठाकुर के कुटे में क्या करें, महाप्रभु करें ये यज्ञ पात्री जानी अरे शक्ति संचार है देख, इसलिए रूप मेरा हृदय को जान लिया जो मैं कर है, तो यही तो सब दिखाते जा रहे हैं। और इसलिए रूप ने क्या की महाप्रभु के भाव के अनुसार ये समस्त ग्रंथ आदि विदग्ध माधव ललित माधव ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल इनमणि ग्रंथ की है माधव जी के प्रकाश कर दिया है, और करके तब दिखा तो इसलिए तो कह रहे जंग जंग कली रूप और शरीर न धारता है, यदि इस कलियुग में रूप गोस्वामी पाद नहीं होते है और चैतन्य महाप्रभु के हृदय में ये समस्त जी भाव प्रकाश नहीं करते कौन जानता है। इसलिए यही तो कहते जा रहे हैं को बा जाना तो के कौन जानाते, मैं समझाते ये प्रेम की ऐसे ऐसे स्थितियां होती, यदि रूप गोस्वामी पाद नहीं होते, यदि महाप्रभु संसार में नहीं आते है ये समस्त अधूरा रह जाता है। केवल प्राकृत लोगों की प्राकृत कवियों की कथा लोग जानते थे और जान बस उतना ही तक, गौड़ीय साहित्य में महाप्रभु के जो अवदान ये विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं, महाप्रभु के अवदान और वैशिष्ट में ये दिखाते जा रहे हैं, ये अप्राकृत प्रकृत भावना क्या होता है, है? वो रूप महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद के द्वारा ही जगत में प्रचार कराया है। वैधि भक्ति लेकर के चलते रहते हैं, किंतु वैधि भक्ति के बाद जो रागानु का भक्ति और फिर रागात्मिका जन के हृदय में जो भाव, वो रागात्मिका जन की आगे जाकर के रूप गोस्वामी पाद रूपमंजिर की जो भाव जो है ये सब भाव की कौन व्यक्त करते हैं, तो ये समस्त वर्णन होती है। इसलिए श्रीमान महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य करते हुए इस श्लोक का पाठ करते थे, उस समय श्रीमान महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर अपने को राधा समझते तथा जगन्नाथ जी के ब्रजनंदन श्याम सुंदर ज्ञान करते थे, और उसका कुरुक्षेत्र का मिलन हो रहा है यह उनकी भावना रहती थी। श्री कृष्ण के साथ मिलन सुख के जो अनुभव उन्हें वृंदावन के निवृत्त निकुंज में होता है वह सुख कुरुक्षेत्र में नहीं हो रहा है,
यही आक्षेप करते हुए राधा भाविष्ट श्रीमन महाप्रभु अपने सखी से अपने भावना को व्यक्त कर रहे हैं। हे सखी, मैं ही वही राधा हूँ और वो कृष्ण वही है। हम दोनों का मिलन भी हो रहा है, किंतु फिर भी वृंदावन के निवृत्त निकुंज में ही मिलन कर कृष्ण के साथ रमन करने के लिए मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। श्रीमान महाप्रभु अपने भावों को अभिव्यक्ति साहित्य दर्पण के प्रस्तुत श्लोक में श्लोक के द्वारा कर रहे हैं। यह श्लोक वह कुमारी नायिका कह रही कि जो अविवाहित अवस्था में किसी नाग के गुणों पर आसक्त होकर रेवा नदी के तट पर उससे मिलित हुई और उस नायक के उसके कुमार्य का हरण किया। कुमारी अवस्था में संभोग की इच्छा स्वाभाविक रूप में नहीं रहती, किंतु इस इच्छा को उदित होना ही कुमार अवस्था का प्रारंभ कहा गया है। बहुत सुंदर इस संत व्याख्या है। कुछ समय पश्चात उनकी नायिका विवाह उस नायक में हो गया। चैत्र मास आने पर नायिका की पूर्व स्मृति उदित हो रही है, उदित हो उठी। रेवा नदी के तीरस्थ बेतसी कुंज की रमणीय परम ज्योत्सना उच्छलित रात्रि मृदुमंद समीर के साथ ही साथ मालती पुष्प की सुगंध से मदन उद्दीपन कर मिलन की आकांक्षा को वर्धित किया है। प्रेम में चार वस्तु होता है, विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी है। फिर होता है क्या होता है, आलंबन और उद्दीपन होता है। एक होता है विषय आलंबन और होता है आश्रय आलंबन। उद्दीपन भी विशेष वैशिष्ट है। जिस वस्तु के देख करके चित्त क्या करते हैं, जिस वस्तु के देख करके चित्त में जो है वो विकार उत्पन्न होता है उसे उद्दीपन कहा जाता है। वो भाव की चित्त आ जाता है उसमें है। हाँ समझे, जो रस शास्त्र को पढ़ते हैं जानते हैं है उद्दीपन। जैसे जुबना के देख करके कृष्ण के साथ गोपियों के साथ जो जुबना जल विहार की उद्दीपन होता है। जमुना जमुना में क्यों जाते हो आप, जमुना में है क्या चीज़, और नदी तो है ही है, जमुना में क्यों जाते हो आप बताओ है? गंगा भी तो है, गंगा में जाओ है, और कई स्थान में जाओ, और नदियां तो कितनी नदियां हैं। बोले जमुना में क्यों है, है? बोले जमुना में जहाँ पर राधा कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रेम विहार है। जमुना के तट पर जाने के साथ ही साथ वो समस्त लीला की स्फूर्ति होगा है। आज इसलिए जमुना वृंदावन में वास करने के तात्पर्य क्या होता है, उद्दीपन कहते हैं। खग मृग कूल मलय बतास है, मयूर भ्रमर मुरली विलास है। ये सब उद्दीपन के दिखाते यार, उद्दीपन करते रहते है। केवल वृंदावन में रहने से काम नहीं होता है, वृंदावन तो रहता है ठीक है, अच्छी बात है, किंतु ये भावों की हमें लाना पड़ेगा है। भाव यदि नहीं हो रहा करके भी फल प्राप्ति नहीं होता है। हाँ उतना ही फल प्राप्ति होगा, थोड़ा सुकृति आएगा, बेकार तो नहीं जाएगा है। सुकृति थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 आगे जाए। बहुत लोग वृंदावन में रह रहे हैं, वृंदावन वासी, बहुत अच्छी बात है। वृंदावन वास ममस्तु एवं, वृंदावन मेरा वास, ये कम नहीं है, ये भी प्रशंसनीय है, किंतु ये इतना ही सफिशेंट नहीं है। वृंदावन में रहने ये हो जाएगा ऐसे के लिए, उद्दीपन के लिए करना पड़ेगा है, भावों की व्यक्त है। इसलिए जामुन चीर जो बनाती है, खग मृग कूल मलय बताश, ये सब कहते उद्दीपन कराते रहते हैं।
भाव के मयूर को देखा है, वृंदावन में मोर को देखा है, पहाड़ में मयूर है, ये सब देख के उद्दीपन होता है उसके हृदय में है। ये मयूर कैसे पंखा फैला करके कैसे नित्य आदि करते हैं है, ये उद्दीपन होता है। मलय वातस कैसे सुंदर मृदुमंद शीतल हवा कैसे चलते रहता है, मलय पर्वत की हवा चलते रहता। बसंत काल जब आ जाते कितने सुंदर सुशोभन होते जाते, चारों तरफ पीले पीले रंग की फूल अपने आप विकसित हो जाता है। आ समझे, बसंत काल जब आते कितने सुंदर रूप धारण कर लेते प्रकृति। यही वृंदावन की रहने की यही तो तात्पर्य होता है, और नहीं तो विशेष कोई फल नहीं है, है? इसलिए कहता है एक आलम्बन होता है और एक उद्दीपन होता है। आलम्बन भी दो प्रकार के होता है, एक विषय आलम्बन और एक आश्रय आलम्बन है। विषय आलम्बन एकमात्र कृष्ण, और आश्रय आलम्बन राधा आदि गोपियां भक्त लोग आश्रय आलम्बन कहा जाता है, ये सब दिखाया है। ये विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी ये सब दिखाते जाते है। इसलिए भक्ति रसाम में तो सिंधु उज्जवल मणि ग्रंथ के से एक एक जो है उदाहरण देकर के भी दिखाया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक एक करके पुनः विश्लेषण करके दिखाया गया है, चित्त के कैसे द्रवीभूत कर कृष्ण विषाक्त रति के द्वारा चित्त जब आक्रांत हो जाता है, उस आक्रांत चित्त में जो सब भाव उत्पन्न होता है वो सब दिखाया गया। होना कैसे चाहिए, कृष्ण विषाक्त होना चाहिए, कृष्ण विषाक्त कृष्ण के छोड़ करके नहीं है। इसे कहते कृष्ण विषाक्त रति के द्वारा चित्त जब आक्रांत होता है आक्रांत तो स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेशन करते रहता है कृष्ण विषाक्त रति के द्वारा। रति माने आसक्ति, हर वस्तु कृष्ण के साथ कनेक्टेड होगा। जमुना देखा, जमुना को देख करके क्या उत्पन्न क्या होगा न, इसमें कृष्ण कैसे जल विहार करते थे। पर जब कृष्ण जल विहार करते थे कृष्ण के साथ गोपियों का है, वा माँ जसोदा का, वा नंद महाराज का है, जैसे नंद जसोदा कभी कभी गोपाल को लेकर के स्नान आदि करते थे, जमुना में आते थे है, वत्सल रस में चले जाते हैं, माँ शक्कर रस में कृष्ण जमुना के तट पर सखाओं के साथ कैसे खेलकूद आदि करते थे है? ये समझते होता है, है? कृष्ण कालिया के कैसे जमुना में कैसे उसके के मस्तक पर फन पर कैसे नृत्य किया है। इसलिए कहते इतंग सतंग ब्रह्म सुखानुभूतंग दसंग गतनांग परदैवतेन मायाश्रितानांग नरदारकेन सार्धं ब्रजहु कृतपुण्य पुंजा। सखरस की श्लोक है ये श्लोक जो है सखरस का श्लोक है। इतंग सतंग ब्रह्म सुखानुभूतंग दसंग गतनांग परदैवतेन मायाश्रितानांग नरदारकेन सार्धं ब्रजहु कृतपुण्य पुंजा है। कितना सुंदर श्लोक बताते जा रहे हैं, देखो ये सखाओं के सौभाग्य देखो। तंग सतंग जो अद्वैतवादी लोग ब्रह्म सुख में निमग्न होना चाहते हैं है, वो ब्रह्म है क्या चीज, वो कृष्ण के चरण कमल की नख चंद्रमा की छटाई तो ब्रह्म कहा जाता है। उस ब्रह्म सुख में है वो लोग आनंद मानना चाहते हैं, इसे कहते हैं ब्रह्म इतंग सतंग ब्रह्म सुखानुभूतंग दसंग गतनांग परदैवतेन। दस रस के जो लोग होते हैं वो भगवान के क्या मानते हैं, परदेवता मानते हैं। दसंग गतनांग परदैवतेन मायाश्रितान नरदारकेन, जो माया के द्वारा मोहित जीव जो है वही कृष्ण के क्या मानते हैं, साधारण एक गोप बालक है। देखो माया से नरदारकेन सार्धं ब्रजहु कृतपुण्य पुंजा, और ये सखाओं के देखो कैसे है कृष्ण के
कान पर चढ़ जाते, कैसे मधुर भाव है। अपने झूठन कृष्ण को जो खिलाते हैं खाते हैं, उच्छिष्ट जो है, आधा रसगुल्ला खाई आधा रसगुल्ला कृष्ण के खिलाए। ये कृष्ण ब्रज छोड़कर कहीं होगा, कौन खिलाएंगे, कृष्ण भगवान है वो है। किंतु ब्रज में सखाओं की इतनी सुंदर महिमा बताया जाए, इसी कहते सार्धम बिजु कृत पुण्य पुंज, क्या इनके इनके कौन सा पुण्य व सुकृति है जिसके फलस्वरूप है कृष्ण के साथ ऐसे विहार आदि करते जा रहे हैं। ये तो सखा रस की कथा है। वात्सल्य रस में और भी कैसे कृष्ण कैसे एक शासन आदि करते रहते हैं। माता मरे पुत्र भावे करे लालन पालन ताड़न भत्सन है, देखो कितने सुंदर है। गोपाल को जो है माँ यशोदा एक लाठी लेकर के शासन करते हैं। जद विभेति भयम, जिसके भय से स्वयं जब महाराज भी भीत तो होता है। आज वही परब्रह्म भगवान माँ यशोदा के भय से भीत हो रहा है, ये कैसे लीला होता रहा है। इसलिए कुंती तो स्तुति में भी आ रहे हैं, कुंती कह रहे हैं क्या जब माँ यशोदा आपको लट्ठी लेकर के शासन किया आप जो रो रहे हैं, क्या ये आप नाटक कर रहे थे कि सचमुच आप रो रहे थे, मेरे समझ में नहीं आता। कुंती स्तुति है, कुंती स्तुति में तो यही आ रहे हैं है? देखो कैसे नहीं, कृष्ण सचमुच जो है माँ यशोदा के भाई में भी भीत हो गया है, ये सब दिखाते जा रहे हैं। वात्सल्य रस है, और आगे माधुर्य रस में गोपियों के कैसे कैसे शब्द गोपियां व्यवहार आदि करते हैं, कैसे मान अभिमान आदि करते रहते हैं, और कैसे शब्द जो शब्द और कोई बोल नहीं सकते हैं। ये नंद यशोदा भी ये शब्द नहीं बोल सकते, कौन सा शब्द गोपियां बोली माँ यशोदा नहीं बोल पाई बताओ हैं। अरे लंपटो बंधु तो कह देते, ये भी तो आ जाता है। ऐसे से शब्द जो है माँ यशोदा वात्सल्य रस सखा के लिए भी संभव नहीं, कहीं कहीं सखा तो भी कह देते हैं, वो भी प्रिय नम्र सखा आदि सुवल सुदाम के लिए संभव है। किंतु गोपियां जो शब्द व्यवहार आदि करते हैं वो शब्द और कोई व्यवहार नहीं कर सकते, उस कौन सा शब्द है जो गोपियां व्यवहार आदि करते रहते, और जिस शब्द के सुन करके कृष्ण भी प्रसन्न होते थे ये शब्द कौन सा है चोर लंपट धूर्त कपट, ये तो साधारण वच में आ जाता है किंतु ऐसे कई शब्द है जो गोपियां कहती हैं और किसी के लिए ये शब्द बाहर करना संभव नहीं है, वो कौन सा शब्द है काल बताएंगे। आश्चर्य की बात है, हाँ समझे, आप आपके दिमाग भी नहीं आएगा अभी है। हम नहीं करें, शास्त्र प्रमाण दे दे देता हूँ, गोपियाँ जो शब्द व्यवहार करते हैं ये शब्द भी तो गोपियाँ तो कहते हैं, अच्छा चोर है लंपट है, अच्छा स्त्री लंपट ये शब्द भी तो बता दिए रहे है, इसके लिए ये शब्द भी व्यवहार कहा जाता है सर। लंपट शब्द के अनेक अर्थ होता है, लंपट शब्द के होता है पेटुक, पेटुक समझते हो जो खाने में भूल होता है, भोजन लंपट कहा जाता है उसमें सनातन को संपाद लिखा है, हम नहीं करें, ये भोजन भोजन लंपट मित्र तुम्हारे घर में आए हैं, भोजन लंपट भी कहा, लंपट शब्द के चतुर कहा जाता है भोजन लंपट। अच्छा गोपियां भी तो लंपट शब्द कहा गया, स्त्री लंपट भी कहा जाते हो, चलो स्त्री के पीछे जो दौड़ते रहते हैं निलज्ज होकर के ऐसे स्त्री लंपट भी शब्द भी हम सुनने के लिए तैयार है।
किंतु ऐसे कई शब्द है एकमात्र गोपी छोड़ करके कोई बोल नहीं पाए, वो शब्द कौन सा है? हाँ बताओ, आप चिंतन करो है। तो शास्त्र में लिखा है, आप चाहें तो दिखा देता हूँ, जो शब्द और किसी के लिए संभव नहीं है, है? वैधि मार्ग में तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर सखाओं ने ये शब्द भी व्यवहार नहीं किया है, किंतु एकमात्र गोपियों ने व्यवहार कर दिया, एक शब्द ऐसे गुर प्रमाण है। काल बताएं, आज चिंतन करते रहो। हाँ।